जो है पहुंच चुके हैं फिर से अपना जो है पटना का हनुमान मंदिर, फूल माला खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये दान पत्र, और यहाँ से हम लोग जो है पंडित जी को देख यहाँ पे देख सारे भक्त लोग जो है हनुमान चालीसा का जो है पाठ कर रहे हैं। जो है पहुंच चुके हैं फिर से अपना जो है पटना का हनुमान मंदिर, और यहाँ पे जो है फिर से आपको अपडेट करने आ चुके हैं। तो आइए श्रद्धा के साथ यहाँ का फिर से अपडेट आपको देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एंट्री के साथ, जैसा कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से फूल का दुकान, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फूल माला खरीद सकते हैं आप। और यहाँ पे हम जो है हम और हमारे साथ है सोनू, और हम दोनों आए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो है हम लोग फूल ले लिए। फूल लेने के बाद जो है हमको यहाँ से लेना होगा प्रसाद, तो सबसे पहले यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर चलते हैं। तो फाइनली हमारा जो है यहाँ पे लड्डू जो है ले लिया गया है, और अब हम इसके अंदर चल रहे हैं। तो फाइनली इसके अंदर आपको जाने से पहले आपको मास्क कंपलसरी है, मास्क के दुकान वाला भैया यहाँ पे मास्क भी बेच रहे हैं, अगर नहीं लाए तो यहाँ से ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको जैसे ही एंट्री लेते हैं तो उसके बाद आपको इस तरह से जो है व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये दान पत्र दोस्तों, मैंने पिछले ब्लॉग में ये छूट गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ की जितनी भी संस्थाएँ चलती हैं इन्हीं दान पत्रों की बदौलत चलती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लाइन मंगलवार को आते हैं तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा इतना ज़्यादा जो है यहाँ पर लाइन बड़ी हो जाती है। और इस तरह से देखिए हमारे पीछे जो है सोनू कुमार खड़ी है प्रसाद लेकर, प्रसाद आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारा प्रसाद है, और यहाँ से हम लोग जो है पंडित जी को देखें, पंडित जी यहाँ पे लेते हैं, उसमें जो है तुलसी का पत्ता डालते हैं, उसके बाद फिर आपको प्रसाद उसमें दे देंगे दोस्तों। और मंदिर के साइड में जैसे ही इस साइड में आते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे भक्त लोग जो है हनुमान चालीसा का जो है पाठ कर रहे हैं, और इस पाठ का जो है अपने श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं। काफ़ी आनंद आता है इस पाठ को करने में दोस्तों, अगर आप आते हैं तो इसका ज़रूर आनंद लें एक बार। तो जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं दोस्तों, तो आपको जो देखने के लिए मिल जाए एक साइड ये, और दूसरा जो हमारा है ये साइड। तो सबसे पहले हम लोग ये साइड जाएंगे, और ये साइड जाने के बाद जो है प्रभु का दर्शन करेंगे, प्रभु के दर्शन के पश्चात हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पश्चात उसी के सामने जो पिछले ब्लॉक में आप देखे थे कि ये जो सीन है आप काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव है, और जो नेक्स्ट बनने वाला है हमारे हाजीपुर में जो है उस मंदिर का जो भव्य दर्शन है आप यहाँ पे उसका जो है कर सकते हैं, और आप देखिए इसका कैसा दर्शन आपको करने के लिए मिलेगा। और ये जो सीन देख रहे हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव है, और जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार होगा ना तो आप सोच नहीं सकते किस तरह का जो है इसका सुंदरता देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप देखिए इसका खूबसूरती कितना ज़बरदस्त होने वाला है अगर ये रेडी होगा दोस्तों। तो और वहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है शिव भगवान का आपको दर्शन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ इस मंदिर में भक्तमय होना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस तरह से जगह दोस्तों। फाइनली हम लोग जो है ऊपर आ गए हैं, और ऊपर आने के बाद जो है आपको देख रहे होंगे यहाँ पे भी जो है आप स्पेस देखिए क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तो बैठने के लिए आपको जगह मिल जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर हवन कुंड बनाया गया है, यहाँ हवन कुंड है, उस हवन कुंड को आपको दर्शन करवाते हैं। पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अपना पूजा पाठ करवा सकते हैं। यहाँ पे हवन कुंड है, अपना हवन करवा सकते हैं। हनुमान मंदिर के ऊपर से आप जो है जंक्शन का भी दर्शन कर सकते हैं, और जंक्शन के नीचे जो है आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी ज़्यादा जो है आनंद महसूस होता है, शांत महसूस होता है इस पूरे भीड़ को आप देखिए। तो अगर आप बाहर में हैं तो बाहर में रहने के बाद इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते, पर जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर आते हैं
तो पता ही नहीं चलता है कि जो साउंड है वो कहाँ लुप्त हो गया, गायब कहाँ हो गया, इस तरह का आपको जो है इसके अंदर जो है देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए। लोगों को पटना का एक फेमस जगह ये है और इसका दर्शन आपको करना बनता है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग का जो है आज का ब्लॉग है वो खत्म होता है यहीं पे, और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।